सर आज हम आपको स्काई डाइविंग दिखाने वाले हैं, वो भी VR की मदद से, जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि मानो आप खुद ही उसका हिस्सा बन गए। आप VR वाली बात अगर आप कर रहे हैं कि हिसाब से VR तो इतनी बढ़िया है, चीजें दो तीन बार आपको दिखा दिया, मुश्किल है हमको बम्बई से जाके लेके गए, वहाँ भी आपने हमको नहीं दिखाया। बाकी मतलब इतना बढ़िया लगता है, देख के बड़ा मजा आता है। और आज फिर आज मुंबई से नहीं दिखाया, बाकी एकदम आज का दिन तो सोने को स्वागत हो जाएगा। सर ये VR वो क्या होता है सर जी? सर VR एक डिवाइस होता है दरअसल, जो आपके आंखों पे पहनाया जाता है और आपको ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि मानो आप उसी जगह पर पहुंच गए। तो सर आप मैं चाहूंगा कि इसे पहले ट्राई कर लें ताकि आपको सब अपने आप ही समझ आ जाए। तो सर आपका कहने का मतलब ये है कि इसको पहनने के बाद आदमी उसी दुनिया में खो जाता है मतलब? जी हाँ सर। सर सुनने में तो मुझे बहुत अटपटा और बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है, अब लेके आइए तो पता चलेगा किस बारे में बात कर रहा है। हमारे क्या हमने तो देखा हुआ नहीं, तो हमको जो मालूम है, अब तुम लोगों को भी देखा नहीं, तुम्हारे लिए नई चीज है। लो ये तो प्लेन में बैठ गए, लो ये तो पायलट दिख रहा है, कौन दिख रहा है? हाँ मुझे ऐसा लग रही है एक पायलट के साथ मैं भी बैठा हूँ और एक आदमी और बैठा है। सर नमस्ते, अंग्रेज क्या बोल रहे हैं यार? ये उड़ो है, अच्छा ओहो हाँ इधर बोल रही है। डर लग रही है मेरे को, कुछ करने वाले जैसे। अरे अरे क्या कर रही है? ओ, क्या ये? पहली बार इसके बहाने एरोप्लेन में बैठा हूँ। ऊपर तो छत जैसी दिख रही है। लोगों को छू भी सकता हूँ क्या? अरे का जा रहे भैया, ओ भैया, ओ बाप रे बाप, हो अब गोलो 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 गोलो, अब ये भी गया। अरे बाप रे, अरे तो छत पे बाप रे बाप, वो हवा में। हाँ अरे मैंने पकड़ा। सर जी ये तो ऐसा लग रहा है कि हवा में कोई जानवर टाइप का उड़ता है, ऐसा लग रहा है मुझे तो, मगर कुछ भी कहो मजा आ रही है मुझे पहली बार करके, यूं अच्छा लग रहा है। हाथ हिला के और पैर हिला के अच्छा लग रहा है। वाह नीचे तो देखने में मुझे डर सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं अब गिरूं और कब गिरूं। ये लो वो देखो अब जमीन दिखने लगी। बाबे को दो, ओहो अबे हाँ नीचे आ रहा, नीचे आ रहा। अबे ये गांव के नीचे आ रहा भैया, अगर ये अबे खेत पे जिंदगी दिख रहा है, क्या खेती खेत जा रहा है, मकान ही मकान। लोग बाप जमीन नीचे नीचे आ रही है और नीचे आ रही जमीन। बहुत खूबसूरत जमीन और आसमान, अरे वाह रे वाह, बहुत मजेदार। अरे वाह, और नीचे भाई जल्दी नीचे नीचे जाए। सारी तरफ आसमान ही आसमान है रे बाबा, वाह मज़ा आ गया सेल्फी, मगर क्या बात है। आसमान में पहली बार उड़ के ऐसा लग रही है हमने नहीं परिंदा उड़ लिया हो। वाह क्या बात है। आहा मुझे बांस बहुत पसंद है सर जी, तो मैंने आज बांस का मज़ा ले लिया। ऐसा लग रही है बांस का मज़ा क्या ले लिया, मैं खुद ही बांस बन गया। मगर मैं तो खैर ठीक है। हरी हरी घास, हरे हरे बच्चे का रोड, मेरा खेत। क्या है वाह भाई वाह वाह। ओह आया नीचे, आया नीचे, और धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, धीरे नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। आ गया आ गया। अब अरे वाह भाई वाह, बहुत मजेदार सर जी, बहुत शानदार। इतने ऊपर से कूदे भाई। और एक और सर जी आ रहे हैं, ये सर जी भी कूदे थे साथ में, ये इधर खड़े। अरे वाह भाई वाह, जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। हाँ सर जी वाह। मगर आज ये है कि आपकी बदौलत मेरे को बास बनने का मौका मिला, मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो गई। वो तीसरा भी लैंड हो गया। लो सर जी, वो तीसरे भी जमीन पे आ गए। ऐसे ही लग रही है सर जी मुझे तो, कह कुछ रेवड़ी टाइप की कुछ बैठ रही है। वो चौथा भी आ गया। लो सर जी शाबाश। मेरा क्या हुआ यार सर, यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं इसलिए कूद के आया। देखो वो छुट्टी घड़ी कर दिया। हाँ वो देखो छुट्टी घड़ी कर दिया यार वो, और जमीन पे उतर गया। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से चला जाऊं ऊपर और फिर से करने लगूं, एक बार और बास बन जाऊं तो मैं। मगर जमीन पे आ गया, ठीक है, अब काफी अच्छा लग रहा है। वो चला गया, वो जा गया, वो जा गया, वो चला गया, वो चला गया, इधर वो जा रही, इधर वो जा रही। अरे सर जी वो तो क्या चीज थी, वाह वाह वाह। ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान से गिरेंगे ही नहीं, गिरेंगे नहीं। और जब गिरे तो दिल को ऐसा लगा सुकून मिला बिल्कुल कि जमीन पे आ गए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर जी, और मजा आया मुझे। एक दो बार तो ऐसा लगा कि मैं वही हूँ और चील की तरह उड़ रहा हूँ, और दिल ऐसा कर रहा था कि मैं मयूर हूँ। मगर जमीन पे आना भी जरूरी था, तो मैं जमीन पे आ गया। फिर भी जैसे तैसे आ गया, तो आने के बाद राहत मिली कि हाँ उतर गए। सर जी कई बार हम सपना देखते हैं सोते समय, और ऐसा लगता है हम सपनों में खो गए। और आज ये जो आपने हमें ट्राई करवाया है ना, ऐसा लग रहा था कि मानो जो मेरे सपना है वो हकीकत में आ गया। इतना शानदार अनुभव था कि बिल्कुल ही असली लग गया था। ऐसा लगा ही नहीं कि अपने आसपास जैसे पूरी एक नकली दुनिया बनाई और जिसमें हम असली तरीके से जी रहे हैं। बहुत ही शानदार था सर, मेरे को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। और बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हवा हवा में तैर रही हूँ मैं। बहुत शानदार था सर, दिमाग के बाहर था। और अभी भी वही सब चीजें दिमाग में चल रही है कि आखिर ऐसे कैसे हो गया, वो कैसे मुमकिन है सारी चीजें दिमाग के बारे में। तो देख के लगा कि खेल वो खेल था कि बाकी जो उनके सामने ने खेला कि ऊपर जो कूद के फिर आगे, फिर वापस आके मेरे को पकड़ना, मेरे को बुलाना और फिर वापस भिजलना। वाकई में सब ऐसा लग रहा है वो और मैं, क्योंकि वो बोला हूँ और मैं बोला हूँ और उनका खेल देख रहा हूँ। वो कहे आजा आजा तुम भी आजा। अरे वह क्या गजब कर लगा सर, ये तो आपने VR दिखाया हमें। मैं तो ये सोच रही हूँ सर, जब ये VR के जरिए इतनी हकीकत है तो जो लोग असली में आसमान से कूदते होंगे उन्हें कैसा अनुभव होता होगा, क्योंकि कि मेरे को 100% वैसे ही अनुभव हुआ इसके जरिए। बहुत शानदार अनुभव। जागती आंखों का सपना ये है कि उनका तो अपन से ज्यादा दिल होगा मजबूत, जो कि वो ऐसा करते होंगे, अपन ने तो पहली बार करा। बाकी चल उड़ जा रे पंछी के अब ये दिल हुआ।